के खास कार्यक्रम दे धनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे राजनेता के बारे में बताते हैं जो जब भी बोलते हैं तो विवादों में आ जाते हैं, या तो विवाद में आने के लिए वो बोलते हैं, या शायद वो नहीं जानते कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जिस पर पूरा देश भी कई बार शर्म से अपना सिर झुका लेता है। ये वो नेता हैं जो व्यक्तिगत कारणों से भी कई बार चर्चा में रहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और हैंडसम पर्सनालिटी शशि थरूर की। वो शायद दिखते अच्छे हैं, समझते कुछ ज्यादा हैं, पढ़ते कुछ ज्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी जब जो इच्छा में आएगी वो बोलेंगे। हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र इस समय प्रयागराज में एक कुंभ का आयोजन चल रहा है, जहां लाखों लोग आस्था के कारण वहां पहुंच रहे हैं। और इसी बीच शशि थरूर का ये बयान आता है कि हमें गंगा भी साफ करना है और पाप भी ही धोना है। और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि संगम में सब नंगे हैं। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले लोग, वो लोग जो पीढ़ियों से हर कुंभ में स्नान करने जाते हैं, अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, क्या उन आम जनताओं के बारे में कभी शशि थरूर ने सोचा भी है कि वो आम जनता जो धर्म के आधार पर अपना जीवन चलाती है, जो धर्म को अपना सब कुछ मानती है, जिनका धर्म ही सब कुछ है, वैसे लोगों के बारे में उन्होंने आखिर क्या बोल दिया? या तो शशि थरूर को ऐसा कहना था कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और मंत्री वहां पर नहाने गए हैं, उन्होंने के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर देना थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कह तो ये कह दिया कि संगम में जो भी आए हैं सब नंगे। कितनी स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल शशि थरूर ने किया, लेकिन उनकी आदत पड़ चुकी है ये सब करने की। उसका जवाब भाजपा की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी ने दिया। उन्होंने कहा कि अब धर्म में आस्था रखने वाले लोग सोचें। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि शशि थरूर हमेशा ही क्यों विवादपूर्ण भाषण देते हैं? कभी अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर विवादों में रहते हैं, तो कभी किसी पाकिस्तानी लवर के कारण चर्चा में आ जाते हैं। और इन सबके बावजूद, केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के बावजूद, नरेंद्र मोदी जैसी सरकार रहने के बावजूद, शशि थरूर जैसे लोगों के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनमें आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इस देश में नेता अपनी भड़ास निकालने के लिए या अपने स्वार्थों के लिए इसी तरह के भाषण देते रहेंगे, इसी तरह के बयान जारी करेंगे? क्या सोशल मीडिया का वास्तविक सदुपयोग यही है कि कुछ भी मन में आया और वो ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट पर सारे नेता बहस करने लग जाते हैं? जिस देश में करोड़ों लोग आज भी एक समय का भोजन नहीं कर पाते, उस देश में इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि नेता अपने बयानों के कारण देश को और उन लोगों को कुछ भी बोल देते हैं जिनके बारे में बोलने का अधिकार उन्हें शायद किसी ने नहीं दिया। हम इस तरह के बेलगाम बदजुबान वाले नेताओं के बारे में आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।